नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मान मिला है। प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई भी दी है। फिल्म निर्माताओं को हर संभव सहायता देगी सरकार, साथ ही उन्होंने ये घोषणा भी की है। उत्तराखंड सरकार नई फिल्म नीति बना रही है, सीएम ने ये जानकारी भी दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां कल राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान हुआ है, ऐसे में प्रदेश को भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। सीएम धामी ने इसके लिए प्रदेशवासियों को भी बधाई दी है और साथ ही बताया है कि हम एक नई नीति पर भी काम कर रहे हैं। फिल्म निर्माताओं को हर संभव सहायता देगी सरकार, ये भी उन्होंने भरोसा दिलाया है और साथ ही जानकारी दी है कि उत्तराखंड सरकार नई फिल्म नीति पर भी काम कर रही है। उत्तराखंड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मान मिला है। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि हम नई नीति पर काम भी कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितेन जुड़ गए हैं। फिल्म अवार्ड जो कल घोषित हुए हैं, उसमें स्टेट को मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड मिला है, ऐसे में कहीं ना कहीं खुशियों का दौर भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी कहा था कि बहुत बहुत प्रदेशवासियों को बधाई। क्या कुछ हो रहा है अब? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो उत्तराखंड को एक बार फिल्म की तरफ से जो मोस्ट वो है, जो इसका अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, वो उसके लिए पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। क्योंकि अगर फिल्मों के लिहाज से देखा जाए तो उत्तराखंड जो ये हैं, फिल्म के जो मेकर हैं, जो निर्देशक हैं, इनके लिए उत्तराखंड पहली पसंद बनता जा रहा है। कई फिल्में हैं जो उत्तराखंड के लिए बनी है, उत्तराखंड में बनी है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या शिवाय हो, कई ऐसी फिल्में हैं जो उत्तराखंड के अंदर बनी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है फिल्म नीति की, जो कि उत्तराखंड के अंदर बहुत जल्द लागू होने वाली है। उसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आम लोगों से भी इसकी राय ली जाए। फिल्म नीति में हितेश क्या कुछ खास रहने वाला है, जिसके तहत डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके कि वो उत्तराखंड में आए, फिल्म बनाए? बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड शासन है, उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको साफ तौर पर कह दिया है कि जो सहायता दी जाएगी यहाँ पर, बड़ी लेवल पे यहाँ पर उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वेब सीरीज हो, टीवी सीरियल्स हो, फिल्म हो, सभी को लेकर यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ सभी चीज़ें बनती रही हैं। ऋषिकेश हो गया, ओली हो गया, कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग, वेब सीरीज और टीवी सीरियल की जो शूटिंग है, वो यहाँ पर होती रही है। जी हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को खबर बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव के समय सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपील का असर क्रॉस वोटिंग के रूप में हो गया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अपने अंतर्मन की आवाज सुनने वाले विधायकों को बहुत बधाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में 6 विधायक एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में किसी न किसी रूप में मतदान कर गए हैं। तो अभी जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी धन्यवाद किया है, बधाई भी दी है क्रॉस वोटिंग को लेकर के। खासकर की आवाज पर वोट देना है, जिसने दिया है सबका धन्यवाद। सबने मैंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना है, जिसने दिया है सबका धन्यवाद। खबर आपको बताते हैं, प्रदेश में बनी स्ट्रीट चिल्ड्रेन पुनर्वास नीति। बाल विकास मंत्री ने आदेश जारी किए हैं, बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, पंजीकरण होगा, अनाथ बच्चों को बाल सुधार गृह भी भेजा जाएगा। तो प्रदेश में नई नीति बनेगी, बाल विकास मंत्री ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं और बच्चों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण भी किया जाएगा और साथ ही अनाथ बच्चों को भेजा जाएगा बाल गृह। देश में बनेगी स्ट्रीट चिल्ड्रेन पुनर्वास नीति। अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितेश जुड़े हुए हैं। प्रदेश में नई स्ट्रीट चिल्ड्रेन पुनर्वास नीति बनाने की बात यहां पर कही गई है। हितेश, क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अंदर बाल आयोग द्वारा, बाल सुधार आयोग द्वारा जिस तरह से एक नीति बनाई जाएगी,
और इस नीति में जो सड़कों पर जो भिक्षावृत्ति की अगर हम बात करें तो जो बच्चे हैं, जो बेसहारा हैं, बेआश्रित हैं, जो सड़कों पर भिक्षावृत्ति का काम कर रहे हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए ये नीति यहाँ पर बनाई जा रही है। अब से पहले भी पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा इसकी एक विज्ञान भवन के अंदर बैठक हुई थी, जिसमें तमाम ये नीति लागू करने की बात की गई थी। तो उत्तराखंड के अंदर भी बाल सुधार नीति यहाँ पर बनाई जाएगी और इसका एक सदन हरिद्वार में यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें जो बच्चे हैं बेघर हैं उनको यहाँ पर शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसको लेकर यहाँ पर ये नीति बनाई जा रही है। अगर कुमाऊं गढ़वाल मंडल को मिलाकर के बात करते हैं तो क्या केवल हरिद्वार में ही ये केंद्र बनाया जाएगा जहाँ बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा जा सकेगा या बाल सुधार गृह के तहत भेजा जाएगा? बिल्कुल, बाल सुधार गृह के तहत यह सदन जो है हरिद्वार में बनाया जा रहा है, क्योंकि सभी चीज़ों को एक ही सदन में करने का निर्णय यहाँ पर प्रदेश सरकार ने लिया है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में बहुत कम ऐसी चीज़ें जो भिक्षावृत्ति की है, वो बहुत कम चीज़ें देख कुमाऊं और गढ़वाल में बहुत कम है, क्योंकि जो समतलीय एरिया है, जो तराई के एरिया है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है। क्योंकि जिस तरह से जो धार्मिक स्थल है, जो प्रदेश सरकार ने ऐसे 15 से 20 धार्मिक स्थल चयन किए जहाँ पर भिक्षावृत्ति होती है, उनको मुक्ति दिलाने के लिए हरिद्वार में इनका एक सदन बनाया जाएगा, तो उसी के माध्यम से इनको बाल सदन भेजा जाएगा। जी, अनाथ बच्चों को भी यहाँ पर चिन्हित करने की बात कही गई है, ऐसे में प्रदेश के कई बच्चे होंगे जिन्हें इसका लाभ मिलने वाला है। हितेश जी, बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद में इस प्रदेश के अगर हम बात करें तो सैकड़ों की तादाद में ये ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पर ऐसे ही घूमते हैं, बेसहारा हैं, जो कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी 100 से 150 की संख्या में ऐसे बच्चे देखे गए हैं जो बेसहारा हैं, बेघर हैं, जो घरेलू हिंसा का शिकार हो चुके हैं, उनको लेकर तमाम ऐसे कार्य योजनाएँ सरकार यहाँ पर बना रही है जो एक ही सदन से और बाल गृह से ही ये यहाँ पर रखे जाएंगे। जी जी, हितेश आप हमारे साथ बने रहें, आपका रुख करेंगे। और खबर अब लक्सर से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसका असर अब राज्य के सीमांत यानी लक्सर से सटी हुई राज्य की सीमा पर भी नजर आने लगा है। दरअसल कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को कायम किया गया है, वह उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर सिक्योरिटी पॉइंट को चिन्हित कर आवाजाही कर रहे हैं। राहगीरों को रोककर जांच की जा रही है। पुलिस जिलाधिकारी हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग क्षेत्र में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न जा सके। कल की बात की कांवड़े जो 2 साल तक पहुंचेगी, इस तो हमारे ये आंकलन की इस बार जो है हर साल की तरह से ज़्यादा कांवड़ आएगी, इसलिए ये करके कि जो कांवड़ में एक सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की गई है और इस क्षेत्र में तो 100 आदमी 150-150 आदमी हमने नाइट और डे में लगाए हैं, जगह इसको क्षेत्र को 9 सेक्टर बांटा हुआ है और पूरा जो है जगह जगह सेक्टर इंचार्ज जो है दरवाजे बना रखे हैं, उनके साथ में सफाई करके जो पूरी जगह जगह सफाई खड़े करके अपने एक लाइन पे ही चलना पड़ेगा। ये जो लक्सर जो हमारा निकल रास्ता है, ये सिर्फ कांवड़ के आने के लिए है, जाने के लिए नहीं है, जाने के लिए हाईवे के है। और पंचायत खत्म होते ही कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंचने लगी है। हरिद्वार में शुक्रवार को 45 लाख कांवड़िए धर्मनगरी पहुंचे, वहीं अभी तक हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों की ये संख्या सबसे ज्यादा है। कांवड़ सेल के प्रभारी बीएल भारती ने बताया कि बीती रात तक 1.57 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी संजय पुंडी जुड़ गए हैं। संजय, कांवड़ यात्रा को लेकर के लगातार श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है, 2 साल बाद ये यात्रा शुरू हुई है और ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ यहां पर श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। हो रहे हैं, कहा जा सकता है कि करीब 2 सालों के बाद इस तरह की रौनक हरिद्वार में देखने को मिली है और यही वजह है कि प्रशासन ने पहले से ही अंदेशा लगा लिया था कि जो आंकड़ा है इस बार 4 करोड़ के पार होने वाला है। अगर अभी तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 1.57 करोड़ से पार है जो वो आंकड़ा, कहीं ना कहीं हरिद्वार जो श्रद्धालु है वो पहुंच चुके हैं। कहा जा सकता है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहीं से गंगा जल भर कर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। इन्हीं को देखते हुए तमाम जो सुरक्षा के साथ तमाम घाटों पर पुलिस बल तैनात है,
अगर लखतर की बात की जाए या रुड़की की बात की जाए, तमाम जगह पुलिस का पहरा देख सकते हैं और कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर कोई भी यहां पर हरिद्वार जिला प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। और हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक ड्रोन से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है और बीते दिन भी हमने देखा है कि खुद SSP हरिद्वार जिले का निरीक्षण कर रहे थे, तमाम घाटों का निरीक्षण कर रहे थे और श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर रहे थे और यह भी पूछ रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि हरिद्वार जिला प्रशासन के साथ साथ जो उत्तराखंड सरकार है वह भी पूरी कांवड़ को लेकर सजग है और यही वजह है कि इस बार जो कांवड़ है पूरी अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है। बिल्कुल संजय, यहां पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, ऐसे में एक रिकॉर्ड कायम किया गया है, 1,57,00,000 श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है कि इतनी अधिक संख्या में अगर श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं तो व्यवस्थाएं भी वैसी ही रहेंगी, उसी के अनुरूप रहेंगी? देखिए आपको बता दें, जब भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं होती है वो डगमगा जाती है, लेकिन जिला प्रशासन जिस तरह से तमाम वायदे कर रहा था कि हम पूरी तरह यहां पर तैयारी से हैं, अब जिस तरह कांवड़ का दबाव लगातार हरिद्वार में देखा जा रहा है तो ऐसे में जो व्यवस्था है उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। और जिस तरह हमने कांवड़ियों से बात भी की है, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं शौचालयों की कमी है, स्वच्छता की कमी है और जिस तरह जो सामान जो श्रद्धालु लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं अधिक दामों में यहाँ पर मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो कांवड़ मेला है इन दिनों पूरे अपने तबाव पर है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु है, कल का अगर आंकड़ा बताए तो कल का आंकड़ा 57,00,000 था और आज भी कहीं ना कहीं लाखों की श्रद्धालु जो संख्या है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है हरिद्वार जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहा है। संजय, साथ ही यहाँ पर जल पुलिस की तैनाती भी की गई है क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो गंगा में स्नान भी करते हैं और उसके बाद गंगा जल भर के अपने साथ ले जाते हैं। देखिए बिल्कुल, विशेष तौर पर यहाँ जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है, तमाम तरह की यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है, PRD के जवान यहाँ पर तैनात किए और विशेष तौर पर यहाँ पर जल पुलिस तैनात की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचता है वो गंगा में स्नान करने के बाद ही यहाँ से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होता है और यही वजह है कि जल पुलिस भी पूरी तरह यहाँ पर तमाम घाटों पर मुस्तैद। और बीते दिनों भी हमने देखा है कि तमाम जो श्रद्धालु थे हरिद्वार पहुंचे थे वो कहीं ना कहीं कई श्रद्धालु ऐसे थे जो बह गए थे तो उनको भी कहीं ना कहीं बचाने में यहाँ पर जल पुलिस देवदूत साबित हुई है। तो कहा जा सकता है कि हरिद्वार पुलिस के जो जवान है वो सभी घाटों पर तैनात होकर शिव भक्तों की रक्षा में इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालु के पहुँचने का सिलसिला अभी भी जारी है संजय, ऐसे में 1,57,00,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं, अभी भी कांवड़ यात्रा चलने वाली है, क्या ये रिकॉर्ड कायम होने वाला है, इससे भी ज्यादा ये संख्या बढ़ने वाली है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी और पहले दिन ही जो आंकड़ा था वो 30,00,000 के पार हो गया था और जिस तरह से 15 तारीख से पंचक लग गए थे जो कांवड़ यात्रियों की संख्या थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन अब 20 तारीख के बाद पंचक समाप्त हो गए और कांवड़ का जो दबाव है वो पूरी तरह हरिद्वार में दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि अब लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो दिन प्रतिदिन हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। हालांकि हरिद्वार ही नहीं, नीलकंठ, महादेव, केदारनाथ धाम और गंगोत्री, यमुनोत्री भी यहीं से जल भरकर जो श्रद्धालु है यहीं से जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि शिव भक्तों की सेवा में हरिद्वार पुलिस के साथ साथ तमाम जो यहां पर विशेष पुलिस अधिकारी बनाए हैं वो भी तैनात दिखाई दे रहे हैं और कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ कामयाब दिख रही है। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। नारसन बॉर्डर से लेकर हर की पैड़ी तक जिलाधिकारी और SSP ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। फूलों की बारिश होती हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से धर्म नगरी गूंज उठी। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। CM पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत कर चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने हेलीकॉप्टर से नारसन बॉर्डर से पुष्प वर्षा की शुरुआत की थी। पुष्प वर्षा की गई है कांवड़ियों पर और ये एक अतिथि देवो भव की कल्पना के अनुसार एक स्वागत उनका किया गया है। डाक कांवड़ इस समय पूरे जोरों पर चल रही है, उम्मीद है कि सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। यातायात प्लान हमारा जो है वो इस समय ऑलरेडी हमारा चालू है, जिसमें कि जो बाईं वो है लेन है वो पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए आरक्षित है और जो दाहिनी वाली लेन है उस पर हम दोनों तरफ का ट्रैफिक चला रहे हैं। उनके लिए हमने सबके लिए एक अल्टरनेट रूट्स निकाल रखे हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ के कारण थोड़ा सा निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि हमारे जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए देवतुल्य हैं
और उनमें शिव का प्रतिरूप है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी कुछ दिन पहले चरण प्रक्षालन भी किया था। आज उनका निर्देश था कि जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उत्तराखंड बॉर्डर से यहाँ तक, उनके सब मार्ग पर पुष्प वर्षा की जाए, और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने पुष्प वर्षा की है। और काफ़ी उत्साह भी कांवड़ियों में देखने को मिला। जब वो चौपर से पुष्प वर्षा हो रही थी तो आप वो उत्साह देखने वाला था, तो ये हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय। रुक करेंगे देहरादून का, जहां पुलिस प्रशासन ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर के नए कदम उठाए। इसके चलते पुलिस प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को लिए किराए के मकान में रहने के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने किराएदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं किराएदार की ओर से मूल थाने में सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा। पिछले 7 दिन में लगभग 70 लाख कांवड़िए हरिद्वार में और आसपास के एरियाज में जा चुके हैं, ठीक है। नीलकंठ वगैरह का फिगर 15 लाख के आसपास है, हरिद्वार का कुल फिगर 70 लाख। तो हमारा अनुमान है आने वाले 6 दिन में भी 2 करोड़ के करीब कांवड़िए और आएगा, हो सकता है ज़्यादा भी है। तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, हमारी तैयारी एकदम बेस्ट पॉसिबल है। हमने केंद्र से भी 4 कंपनियाँ अतिरिक्त मांगी थी, वो भी हमें मिल चुकी हैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमारे व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, हम यहीं से आप देख रहे हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। लगातार मैं टच में भी रहता हूँ फील्ड ऑफिसर्स के, और अभी तक कांवड़ मेला जो है पूरी तरह से सुव्यवस्थित है। मैं फिगर्स देख रहा था, अभी तक हम लोग 15 से ज़्यादा कांवड़ियों की डूबने से जो है उनको बचा चुके हैं। अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितेश लगातार जुड़े हुए हैं। हितेश, किराएदारों के लिए एक नई पॉलिसी जहां उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट सत्यापन करवाना आवश्यक होगा, लेकिन देहरादून में लगातार ये देखने को मिलता है कि बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए वहां जाते हैं, तो क्या ये पॉलिसी उनके लिए भी होगी अगर कोई हॉस्टल छोड़ करके कहीं और जा करके रहता है किराए के मकान में? बिल्कुल, देखिए अब से पहले भी जो उत्तराखंड का प्रशासन है वो बाहर से आने वाले जो किराएदार उत्तराखंड या राजधानी देहरादून में रहे हैं उनको लेकर सजग है, क्योंकि अपराध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी पूर्व में सिद्धू मूसे वाला एक केस हुआ है जिसके अपराधी देहरादून से पकड़े गए हैं। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड अपराधियों का अड्डा बन चुका है, क्योंकि बाहर से कांड करके आते हैं और उत्तराखंड में अपना यहाँ पर रहने लगते हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर अपराध के जो रेशो में थोड़ा बढ़ने लगे, जिसको लेकर प्रशासन ने ये अहम कदम उठाया है। अहम कदम इसलिए उठाया है क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर बाहर से आकर रहते हैं तो मकान के कब्जे, मतलब अवैध कब्जे यहाँ पर जो मामले हैं वो भी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। उसको लेकर पहले से ही अब प्रशासन डीजीपी अशोक कुमार ने साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि बाहर से जो आएंगे अपने थानों से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहेंगे। आपने बच्चों की बात की है, अगर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो इसको लेकर अभी कोई ऐसी पॉलिसी डीजीपी अशोक द्वारा नहीं कही गई है, ऐसी कोई पॉलिसी अभी नहीं आई है। जी हितेश, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट की यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है, अगर पहले भी कोई किराएदार आकर के रहता है किसी के मकान में तो उसे सत्यापन करवाना आवश्यक होता है, लेकिन अब ये गाइडलाइन आई है इस वजह से सत्यापन करवाना आवश्यक होगा ऐसा? बिल्कुल, देखिए ये ना हर तरीके के लिहाज से प्रशासन यहाँ पर देख रहा है, क्योंकि अपराध की दृष्टि से, क्योंकि पहले भी यहाँ पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, मकान के कब्जों की जो मात्रा है वो यहाँ पर ज़्यादा देखी जा रही है, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अपराधिक लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको यहाँ से कैसे बाहर भेजा जाए या उनको हटाया जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए, उसको लेकर ये गाइडलाइन प्रशासन ने की है। बहुत शुक्रिया आपका हितेश तमाम जानकारी के लिए। और जहाँ एक ओर हरिद्वार में सावन के महीने में शिव भक्तों की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर रुड़की में अपनी श्रद्धा और भाव के साथ सामाजिक संस्थाएं कांवड़ियों की सेवा में लगी हैं। वहीं प्रेस क्लब मंगलौर की ओर से शिव भक्तों के लिए हलवे और फलहार भी बांटे गए हैं। इस मौके पर प्रेस क्लब मंगलौर के तमाम सदस्य मौजूद रहे। प्रेस क्लब मंगलौर के अध्यक्ष अकील अहमद ने कहा कि प्रेस क्लब मंगलौर इसी तरह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आज प्रेस क्लब मंगलौर द्वारा एक प्रसाद वितरण का प्रोग्राम रखा गया था। लाखों की तादाद में जो कांवड़िए हमारे मंगलौर से गुजर रहे हैं, तो प्रेस क्लब मंगलौर द्वारा एक प्रसाद वितरण का, इसके ठंडे जल की व्यवस्था की गई थी। और प्रेस क्लब मंगलौर हमेशा तत्पर रहता है कि जो सामाजिक कार्य उनमें भी करता रहता है। नासन बॉर्डर पर भी हमारा कैंप लगेंगे, और मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ जो शिव भक्त यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी स्वागत करें, ताकि मंगलौर का भी नाम जानिब से शिव भक्तों की सेवा के लिए एक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है, और मैं समझता हूँ शिव भक्तों की सेवा एक पुण्य कार्य है,
इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मंगलौर प्रेस क्लब का मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनका सम्मान करना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लक्सर से, जहां बसेड़ी गांव को बस अड्डे से जोड़ने वाली सड़क खस्ता हाल हो गई है। आलम यह है कि बारिश होने के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। वहीं सड़क से गुजरने वाले लोग वाहन समेत गड्ढों में गिर जाते हैं, जिस वजह से दिन रात व्यस्त रहने वाली सड़क अब सुनसान पड़ी है। आपको बता दें कि करीब 10 साल पहले लक्सर रुड़की तिराहे और बसेड़ी गांव के बीच सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन सड़क बनाने के बाद अब तक इसकी मरम्मत तक नहीं की गई। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और प्रशासन से जल्द ही सड़क की मरम्मत कराने की मांग भी की है। आपके ये हमारा बस अड्डा है, बस अड्डे जो इधर की रोड जा रही है, हमने कुछ रोड तो उसमें बना भी दी, नगर पालिका की तरफ से बनेगी, जो शेष बची हुई है उसका हम बोर्ड में प्रस्ताव करा के और जैसे हमारे पास बजट आएगा उसकी व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल हम अस्थायी तौर से जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उसको हम गड्ढियों का भराव कर दिया जाएगा। रोड मेरा अनुमान है शायद 14-15 साल पहले बनी होगी, उसके बाद 2 बार कार्यकाल संजय गुप्ता जी का हो चुका है और नगर पालिका अध्यक्ष से भी कई बार इस मामले में मुद्दा उठाया गया, लेकिन उन लोगों ने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और जो इसके गड्ढे हैं वो गड्ढे इस तरह के हैं कि गड्ढे उन्होंने तालाब का रूप ले लिया, कभी कभार इस पर डंपर भी इतने चलते हैं, कभी कभार जो आने वाले अध्यक्ष महोदय भी इधर से गुजरते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा, ना तो इस तरफ PWD का ध्यान है, ना विधायक महोदय का कोई ध्यान आकर्षित कर पाए हम लोग। और कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है, कांग्रेस के जो क्षेत्राधिकारी थे प्रमोद खारी जी वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी मीडिया के माध्यम से बात पहुँचाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई भी लाभ हमें अभी तक नहीं मिला। और गांव की जो जनता वो इतना परेशान है, पैदल चलना मुश्किल है, आप खुद देख लीजिए इस पर कितने सारे गड्ढे और कितने सारा पानी भरा हुआ है। फिलहाल जोशीमठ की सीमान गांव तोलमा में आज भी विकास की राह देख रहा है। दरअसल रंग भरा मझगांव चौनाला मोटर मार्ग अभी भी अधूरा है। 300 मीटर से ज्यादा सड़क का निर्माण पूरा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण शीघ्र कराने की मांग की है, ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि 19 नवम्बर 2020 में कोर्ट में जिलाधिकारी को सड़क निर्माण का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि 1 सप्ताह के भीतर सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वो 11 जून से आंदोलन करेंगे। बड़ा अफसोस का विषय था कि जो रायथोटा तोलमा मोटर मार्ग है विगत 17-18 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो उसका प्रथम चरण का कार्य था, मात्र 1.5 किलोमीटर में ही हमारा 17-18 साल लग चुके हैं। अधिशासी अभियंता ऑफिस में आए हैं अपने रोड के संदर्भ में और श्री पटवाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में रोड में जो मलवा आया है उसको क्लियर कर देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण की बात करें सीमांत घाटी में कई ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहां अभी तक रोड की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, और हालांकि अभी सीमांत घाटी में 6 सितंबर से द्योरा यात्रा जो चलेगी महानंदा दाता से पूरे सीमांत घाटी में, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पे मिलों मिल तो